परशुराम जी राजा प्रसन्नचित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशी जन्म दग्नि के पुत्र थे। वे विष्णु जी के अवतार थे और शिव जी के परम भक्त थे। इन्हें शिव जी से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर जी द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु का सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 6 अवतार थे, जो वामन एवं रामचंद्र जी के मध्य में गिना जाता है। इनका जन्म अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। अतः इस दिन व्रत करने और उत्सव मनाने की प्रथा है। परंपरा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियों का अनेक बार विनाश किया। क्षत्रियों के अहंकारपूर्ण दमन से विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए इनका जन्म हुआ था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं भगवान विष्णु के 6 अवतार परशुराम अवतार की जन्म कथा। भृगु ने अपने पुत्र के विवाह के विषय में जाना तो बहुत प्रसन्न हुए तथा अपनी पुत्रवधु से वर मांगने के लिए कहा। उनसे सत्यवती ने अपने तथा अपनी माता के लिए पुत्र जन्म की कामना की। भृगु ने उन दोनों को चरु दिए तथा कहा कि ऋतुकाल के उपरांत स्नान करके सत्यवती गुलर के पेड़ तथा उसकी माता पीपल के पेड़ का आलिंगन करे तो दोनों को पुत्र प्राप्त होंगे। माँ बेटी के चरु खाने में उलट फेर हो गई। दिव्य दृष्टि से देखकर भृगु पुनः वहाँ पधारे तथा उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण का व्यवहार करेगा तथा तुम्हारा बेटा ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय आचार विचार वाला होगा। बहुत अनुनय विनय करने पर भृगु ने मान लिया कि सत्यवती का बेटा ब्राह्मण रहेगा किंतु पोता क्षत्रियों की तरह कार्य करने वाला होगा। सत्यवती के पुत्र जमदग्नि मुनि हुए। उन्होंने राजा प्रसन्नचित की पुत्री रेणुका से विवाह किया। रेणुका के 5 पुत्र हुए, रुम्नवान, सुसेड़, वशु, विश्ववशु तथा 5वें पुत्र का नाम परशुराम था। ये क्षत्रियोचित आचार विचार वाला पुत्र था। दोस्तों तो चलिए जानते हैं भगवान परशुराम ने अपने माता का वध क्यों किया था। एक बार परशुराम जी की माता रेणुका जल लेने नदी पर गई। वहाँ उन्होंने गंधर्व राज चित्रत को जल में अप्सराओं के साथ देखा तो वो कुछ देर वहीं ठहर गईं। उस समय माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन के समय हो रहा है और वो तुरंत जल लेकर घर पहुँची। जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी की मानसिक व्यभिचार जान लिया। उन्होंने परशुराम से बड़े अपने 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दें, लेकिन किसी ने भी इसे पाप समझकर अपने पिता की बात नहीं मानी। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार न हुआ, अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। पहला, माँ पूर्ण जीवित हो जाए। दूसरा, उन्हें मरने की स्मृति न रहे। तीसरा, भाई चेतना युक्त हो जाए। और चौथा, मैं परमायु हो जाऊं। अतः उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी माँ और भाई ऐसे जीवित हों जैसे निद्रा से जागे हों और उन्हें इस बात का स्मरण भी न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। जमदग्नि ऋषि ने तपोबल से ऐसा ही हुआ। पुत्र की तीव्र बुद्धि देखकर ऋषि ने उन्हें ख्याति और अस्त्र शस्त्र में निपुणता का भी वरदान दिया। ऋषि दुर्वासा के भांति परशुराम जी भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात हैं। एक बार कार्तिवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला था, जिससे परशुराम जी क्रोधित होकर उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाले। कार्तिवीर के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि परशुराम जी के पिता का वध कर दिया। इस पर परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियविहीन कर दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। हर बार हताहत क्षत्रियों की पत्नियां जीवित रहीं और नई पीढ़ी को जन्म दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। रामा अवतार में रामचंद्र जी द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ने पर ये क्रोध में होकर आए थे। इन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र जी कोई और नहीं विष्णु जी के ही अवतार हैं। इसीलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। दोस्तों तो चलिए जानते हैं कहाँ है परशुराम कुंड। असम राज्य की उत्तरी पूर्वी सीमा में जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है वहीं परशुराम कुंड है, जहाँ तप करके उन्होंने शिव जी से परशु प्राप्त किया था। वहीं पर उसे विसर्जित भी किया। परशुराम जी भी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। इनका पाठ करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। परशुराम कुंड नामक तीर्थ स्थान पर 5 कुंड बने हुए हैं। परशुराम जी ने समस्त क्षत्रियों का संहार करके उन कुंडों की स्थापना की थी तथा अपने पितरों से वर प्राप्त किया था कि क्षत्रिय संहार के पाप से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे विष्णु अवतार सीरीज की भगवान विष्णु के 6 अवतार परशुराम अवतार की पौराणिक कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।